जितनी बिजली ज्यादा देंगे उद्योग को उतना ज्यादा प्रॉफिट होगा डिस्कॉम्स का। और ये जो उत्तर प्रदेश के डिस्कॉम्स आज 10,000 करोड़ का सालाना लॉस करते हैं, इस लॉस का तो कारण हमें समझ नहीं आता। और कहां बात हो रही है 24 घंटे बिजली देने की, मैं आंकड़े निकाल रहा था, पूरे उत्तर प्रदेश में आज भी 1,80,00,000 घर है, संजीव जी 1,80,00,000 घर है जिनको बिजली का कनेक्शन नहीं मिला, 1,80,00,000। और इन सबको खासतौर पे जो गरीबी रेखा के नीचे हैं, उनको मुफ्त में बिजली देने के लिए केंद्र सरकार की योजना से 100% पैसे मिलते हैं। उसके बावजूद यहाँ की राज्य सरकार, और मैंने जब आंकड़े निकाले कि गत चार पांच वर्षों में क्या हुआ, तो आपको जान के हैरानी होगी कि लगभग जब मैं मंत्री बना 2014 में, तब 11,000 करोड़ सैंक्शनड पैसे पड़े थे उत्तर प्रदेश के पास केंद्र के। मैंने आने के बाद ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 7,000 करोड़ और दिए, तो 18,000 करोड़ हो गए। लेकिन जो जो काम करने के लिए उनकी जरूरत थी, जो उनको करना था, उसको करने के लिए पूरी तरीके से राज्य सरकार सक्षम नहीं है, तैयार नहीं है, चाहती नहीं है, इच्छा शक्ति नहीं है।